बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे, और अल्लाह से दुआ भी है कि आप लोग मज़ीद जो है वो खैर आफियत के साथ रहें, और अल्लाह पाक हमारे ऊपर से इस वबा को जल्द से जल्द ख़त्म करें। चले हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स के सेकेंड ईयर का लेक्चर हमारा चल रहा था, और आपको याद होगा कि हमने इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, या यूँ समझ लें प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का, हमने जो है वो चैप्टर सीखा। और इसके अंदर हमने क्या सीखा कि हम किस तरह एक रॉ डाटा को इन्फॉर्मेटिव डाटा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक बिल्कुल रॉ डाटा है उसको मैं अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूंगा तो वो किस तरह जो है वो अच्छा एक इन्फॉर्मेटिव जो है वो डाटा बन सकता है। तो उसके अंदर हमने क्लासेस बनाना सीखा था, क्लास बाउंड्रीज निकालना सीखी थी, इसी तरह मिड पॉइंट्स किस तरह निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आप पिछले लेक्चर के अंदर सीख चुके, और तकरीबन हमने इस चैप्टर की तकरीबन चीज़ें हमने सीख ली हैं। तो आज जो है यूँ समझ लें कि रिवीजन का दिन है और रिवीजन का लेक्चर है आज, और ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने ये लिखे हैं। दो सवाल हैं जो कि मिसिंग फिगर्स के सवाल हैं, यूँ समझ लें फिल इन दी ब्लैंक्स के सवाल है, ठीक है, और ये पास पेपर्स के अंदर आए हुए भी हैं, तो इस वजह से इसकी अहमियत भी है, और थोड़ा सा स्टूडेंट्स को करते हुए जो है वो घबराते भी हैं कि मुश्किल हो सकती है, कहीं जो है वो कोई गलती ना हो जाए। तो ये मैंने कहा कि मैं आपके सामने इसको जो है डिस्कस कर लूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो चलें हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो कह रहे हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल आपके सामने है इसको कंप्लीट करना है। इसी तरह ये भी इसी तरह का सवाल है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल भी आपके सामने है इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर देखें जो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं ये मिसिंग है, ये मिसिंग फिगर्स हैं, और इसको हमने जो है वो फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सी फिगर्स आनी है। तो आपको याद होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का तरीका क्या होता था कि हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाते थे, हमारे पास जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती थी, समझ रहे। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला था कि फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको आप लिख भी लें, अपने पास भी लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस फॉर्मूले से ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकलेंगी। तो अब इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले जहन में लाएं आप इस बात को कि पहली फ्रीक्वेंसी और पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमारे सामने ये बात है कि देखें ये जो 27 हमने निकाला है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का 27, ये लाजमी क्या हुआ होगा कि ये वाली यहाँ पर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसके अंदर हमने 21 को प्लस किया होगा तो 27 निकला है, और ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी यही फ्रीक्वेंसी पहली फ्रीक्वेंसी भी यही होगी, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। तो क्या करेंगे हम 27 को, 27 किस तरह आया है इसको इसमें प्लस करा है, तो अगर मैं 27 में से 21 को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा, सिंपल बात है, बहुत सिंपल है। तो मैं 27 में से जब मैंने 21 को माइनस करा तो मेरे पास आंसर निकल के आया 6, और पहली फ्रीक्वेंसी भी लाजमन यही होगी 6, ठीक है। अब इसको आप चेक भी कर लें कि पहली फ्रीक्वेंसी 6 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 6 है, फिर 6 में मैंने जो है वो 21 को प्लस करा तो 27, अब 27 में मैं इसको प्लस करूंगा तो 65, समझ रहे हैं, 27 में जब मैं इस नंबर को प्लस करूंगा तो 65 आ जाएगा। तो जब मुझे ये नंबर नहीं पता तो लाजिम बात है मैं 65 में से 27 को माइनस करूंगा तो उससे मुझे ये नंबर पता चल जाएगा। तो 65 में से जब मैंने 27 को माइनस करा तो आंसर निकल के आया 38, ठीक है। दोबारा चलते हैं एक दफ़ा, देखिए 6 में मैंने 21 को प्लस करा तो 27, फिर 27 में मैंने 38 को प्लस करा तो 65, अब 65 में मैंने 19 को प्लस करा तो 84, इसको आप चेक भी कर लें, और 84 में जब मैं 16 को प्लस करूंगा तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट वाली आ जाएगी, जो कि 84 में 16 को प्लस करने से आंसर आता है 100, ये चीज़ हमें पता चल गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी हमारा जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ चलते हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी हमारे सामने सारी आ गई है, सही है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये हमें यहाँ पे मालूम करना है। तो आपको मैंने एक इससे पहले बताया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है 100, आप इन सबको प्लस भी करके देख सकते हैं और इससे भी हमारा जो है वो मैच हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आई है, फ्रीक्वेंसीज हमने निकाली हुई है, सॉल्व करना आसान हो गया। 6 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास 0.06, तो उसके बाद 21 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरे पास आएगा 0.21, और ये देखें 38 को 100 से डिवाइड करा तो 0.38, 19 को 100 से डिवाइड करा तो 0.19, अब 16 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.16 मेरे पास आंसर आ जाएगा,
बस ये इतना सिंपल सा सवाल था, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। सारी मिसिंग फिगर जो है वो आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई क्यूरीज हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। हम टेबल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ये थोड़ा सा उससे और डिफरेंट है। इसके अंदर फिगर्स भी ज़्यादा हैं और जो है वो चीज़ें ज़्यादा पूछी गई हैं, क्लास बाउंड्रीज इसके अंदर इजाफी है। तो चलें, क्लास बाउंड्री बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। हम चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। सबसे पहले क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसने 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए आपको पता है, क्लास इंटरवल नेक्स्ट नंबर से अगली क्लास बनती है, तो 3 के बाद 4 आता है, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, 4 से 7। और आप इसको इस तरह भी जो है वो जज कर सकते हैं कि देखिए विड क्या है, विड पहली क्लास की विड क्या दी हुई है उसने हमें, विड दी हुई है 4। कैसे? 0 1 2 3, 0 1 2 3। मैंने कहा था कि इसको भी गिनेंगे, तो इसको गिनेंगे और इसको भी गिनेंगे, तो वो चार नंबर हमारे पास आ जाते, तो ये 4 नंबर की क्लास है। इसको भी गिनेंगे तो ये भी 4 नंबर होंगे, 4 5 6 7, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। इस तरह हमारे पास विड पता चल गई, तो अब हम जो है वो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 के बाद 8 आ गया, 8 में हम कितने, तो हम चलते हैं 8 9 10 11, यहाँ पर आएगा 11। इससे भी हमें पता चल सकता था कि यहाँ पे 12 था, तो इससे पहले वाला नंबर 11 ही होना चाहिए था यहाँ पर। खैर, अब ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया क्लास इंटरवल। क्लास बाउंड्रीज की तरफ चलते हैं। देखिए, क्लास बाउंड्री के अंदर 3 को 3.5 लिखा हुआ है इसने सवाल के अंदर, 3 को 3.5। इसका मतलब क्या करा है कि इसने अपर क्लास इंटरवल के अंदर 0.5 को प्लस करा है, तो लोअर क्लास इंटरवल के अंदर हम क्या करेंगे, लाजमी बात है माइनस करेंगे, 0.5 को माइनस करेंगे। तो जब मैं 0 में से 0.5 को माइनस करूंगा तो आंसर निकलेगा माइनस में, -0.5, ये आंसर आएगा इधर, ठीक है। 4 में से मैं जब जो है वो 0.5 को माइनस करूंगा तो यही 3.5 आ जाएगा इधर, 3.5। उसके बाद जो है वो यहाँ पर 11.5 आएगा क्योंकि मैं प्लस करूंगा। इस तरह ये पूरी क्लास बाउंड्री हमारे पास सॉल्व हो गई। अब हम फ्रीक्वेंसी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ चलते हैं, ये भी कोई मसला नहीं है। देखिए, यहाँ पर भी वही बात है पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल, कि देखिए ये पहली फ्रीक्वेंसी भी नहीं दी हुई, पहली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी भी नहीं दी हुई, तो इसको निकालना बहुत आसान है। ये जो 29 आया है, ये कैसे आया होगा कि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको ऐड किया होगा, इसको प्लस किया होगा तो 29 निकला, ठीक है। तो जब मैं 29 में से 14 को माइनस करूंगा तो मेरे पास पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसको हम करके देख लेते हैं, 29 माइनस 14, तो आंसर मेरे पास आ रहा है 15। इसका मतलब ये है कि पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 है और पहली फ्रीक्वेंसी भी फिर 15 होगी। अब आप इसको चेक कर लें, पहली फ्रीक्वेंसी 15 है, पहली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी भी 15 है, फिर 15 में मैंने 14 को प्लस करा तो 29, अब 29 में मैं कौन से नंबर को प्लस करूँगी 69 आ जाए, 29 में मैं कौन से नंबर को प्लस करूँगी कि 69 आ जाए, तो 69 में से 29 को हम माइनस कर देते हैं, हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। तो 69 में से जब मैंने 29 को माइनस करा तो मेरे पास आंसर निकलेगा 40, सही है। अब 69 में मैंने 22 को जब प्लस करा तो आंसर मेरे पास निकला 91, और 91 में जब मैंने 9 को प्लस करा तो मेरे पास आंसर आएगा 100। इसका एक और तरीका भी था, 100 डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको देखते हुए, क्योंकि इसने इस सवाल के अंदर समीशन एफ पहले ही बताया हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पर, ठीक है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना बहुत आसान है, आपके सामने वही फॉर्मूला होना चाहिए, एफ डिवाइडेड बाई समीशन एफ, और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये समीशन एफ 100 दिया हुआ है, एफ हमारे पास 15 है सबसे पहला, तो 15 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 0.15। उसके बाद 14 को 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.14, और फिर उसके बाद ये दो दिए हैं, 40 को मैंने 100 से डिवाइड करा 0.40, फिर 22 को 100 से डिवाइड करा 0.22, अब 9 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.09। इसको चेक करने का आपके पास तरीका मौजूद है, आप कैलकुलेटर से जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो इन सबको भी प्लस करके 1 आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मिसिंग फिगर्स के जो क्वेश्चन है आपको सही तरीके से समझ में आ गए होंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई क्यूरीज हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।